गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. स्टूडेंट टुडे वी विल डू बुक वर्क ऑफ चैप्टर फर्स्ट फ्रेंड्स फॉर एवर. ओके सो फर्स्ट ओपन द पेज नंबर 10. ओके सो इन दिस 10 पेज नंबर स्टूडेंट सी डाउन साइड गो ग्रामर. गो ग्रामर ओके दिस इज टाइप्स ऑफ सेंटेंस. सो इन दिस गो ग्रामर इट्स अ ग्रामर पार्ट. ओके सो इन दिस वी विल रीड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. या ओके because in grammar book already you have read this chapter sentences, but in this book also we will read again the types of sentences. Okay, here types of sentences. So first let's see types of sentences. Okay student, you know there are 4 types of sentences. As I told you in your grammar section also, there are 4 types of sentences. First one is declarative sentence, and statement also it is called. Okay, its another name is a statement also. Second is imperative sentences. ओके थर्ड वन इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एंड फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. सेंटेंस ओके स्टूडेंट. So these are 4 types of sentences: declarative sentence, imperative sentence, interrogative sentences, and exclamatory sentences. Okay. So student, first let's see what is the declarative sentences. Declarative sentence means क्या होता है? जो statement होती है, जो एक fact को बताती है. Okay. It tells about a fact and affirmation of the sentence. Okay. Like स्टेटमेंट दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट. जैसे कोई रियल में कोई जो होती है स्टेटमेंट होती है, उसके बाद में अफर्मेशन हमें किसी भी चीज़ का अफर्मेशन देती है, दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट. ओके इट्स अनदर नेम इट्स अफर्मेटिव सेंटेंसेज ऑल्सो. ओके इन दिस सेंटेंसेज नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेज दोनों ही आते हैं. ठीक है, इन डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही सेंटेंसेज आते हैं. सेकेंड वन इज इम्पैरेटिव सेंटेंसेज. इसमें क्या होता है? इम्पैरेटिव सेंटेंसेज गिव अस कमांड्स, ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट. ये या तो रिक्वेस्ट करते हैं या फिर ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं. सो दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेज आर कॉल्ड इम्पैरेटिव सेंटेंसेज. ओके इंटरोगेटिव सेंटेंसेज व्हेन अ सेंटेंस आस्क क्वेश्चन, जब क्वेश्चन पूछता है देन इट इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेज. जब कोई सेंटेंस आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है then it is called interrogative. Exclamatory sentences, okay this is the exclamation mark also. Okay it express sudden feeling, sudden strong feeling. Okay exclamatory sentences express sudden strong feeling, so that is called exclamatory sentences. So let's see by the examples. Okay I'm going to read this. This is your revision also, okay? Because you have done this chapter already, we have done this chapter already. So now, see in your book also, a declarative sentence simply makes a statement or expresses an opinion. Okay, in other words, it makes a declaration also. Okay, example of these sentences, आप बोल सकते हो, I didn't want to let them down. My sister is going to Indore. Okay, like this. So this is the declarative sentence. आप कुछ भी लिख सकते हो, any sentence you can form like my brother is studying. In his room. So you can say this is the declarative sentences. Okay. अगर आप negative बनाओगे इसमें like
लाइक इसी का नेगेटिव बनाते हैं फर्स्ट सेंटेंस का, माय सिस्टर इज नॉट गोइंग टू इंदौर. सो दिस इज ऑल्सो ऑल्सो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज. ओके सेंटेंस. ओके स्टूडेंट, सो इसमें स्टेटमेंट और ये आई मीन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के सेंटेंस इसमें आ सकते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज इम्पैरेटिव सेंटेंसेज. ये हमेशा वर्ब से स्टार्ट होते हैं, मोस्टली दे स्टार्ट फ्रॉम द वर्ब. सब्जेक्ट इज हिडन इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेज. लाइक आप बोल सकते हो गो देयर. ओके, लाइक शट द डोर. ओके, शट द डोर, गो देयर और यू शुड टेक मेडिसिन ट्वाइस इन अ डे. सो स्टूडेंट, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस ऑल्सो आर कम इन इम्पैरेटिव सेंटेंस बिकॉज हियर इज सजेशन. यहाँ पे कोई सजेशन दे रहा है आपको, एडवाइस दे रहा है, इट मीन्स ऑल्सो ओके. सो दिस इज इम्पैरेटिव, दीज आर इम्पैरेटिव सेंटेंसेज. ओके, मोस्टली दे स्टार्ट फ्रॉम वर्ब. Mostly they start from verb like imperative sentences. Okay, see in this book also an imperative sentence gives a command or makes an appeal. For example of the sentence type, tell them you need time to finish your science fair project. Okay, यहाँ पे क्या बोल, tell them, उनको बताओ, I mean यहाँ पे appeal हो रही है that tell them you need time to finish your science fair project. Okay. एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन. और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या करते हैं, क्वेश्चन आस्क करते हैं, जैसे एज आई टोल्ड यू जस्ट. ओके, एंड दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेज ऑफन बिगिन विथ वॉट, और ये डब्ल्यू एच वर्ड से भी स्टार्ट होते हैं मोस्टली. जैसे होते हैं डब्ल्यू एच वर्ड, किसको बोल डब्ल्यू एच वर्ड, लाइक वॉट, हुम, वेयर, हाउ, व्हेन and whose, which. So interrogative sentences start from WH words and sometime they are formed by helping verb also. Okay, when we want to know only yes or no, then in this condition they formed only from helping verb, like I am going there. Okay, जैसे आप बोल सकते हो he is going there. Okay, तो how to make its interrogative, then you have to write its helping verb before the subject. Okay, like is he going there, क्या वह वहाँ जा रहा है. और student you have to remember that when we form interrogative sentence, at the end of the sentence we have to put question mark also. Okay, so don't forget it, you have to put question mark. It's a, okay, main thing of interrogative sentence. Or when we start any sentence, then first requirement of first letter should be capital. ओके, जब भी आप कोई इंट्रोगेटिव या कोई सा भी सेंटेंस बनाते हो, एनी सेंटेंस व्हेन यू फॉर्म, देन फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल ऑफ द सेंटेंस. ओके, सो ये देखो आप, ये आपके हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बना है, तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑल्सो. और एक डब्ल्यू एच वर्ड से बनने वाले क्वेश्चन होते हैं, ये भी इंट्रोगेटिव होंगे और ये भी इंट्रोगेटिव होगा. ठीक है, सो एंड दे टेक्स अ क्वेश्चन मार्क आफ्टर एंड ऑफ द क्वेश्चन. ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑल्सो टू टाइप्स ऑफ, लाइक यस नो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एंड डब्ल्यू एच वर्ड्स क्वेश्चन. ओके, सो यस नो में तो क्या करते हैं, वेन यू वॉन्ट टू नो ओनली यस और नो,
then these type of questions are formed by helping verb. Or when you want to know extra, yeah, when you want to know more information about something or someone, then we make a question from WH word. Okay, students, so I hope you understood. And because here I am telling you about the sentence only in short, मैं short में बता रही हूँ, I am not explain, deeply explain नहीं कर रही आपको, केवल short में बता रही हूँ, okay? Because you have already read this chapter, now after that exclamatory sentences. Exclamatory सेंटेंस ओके एक्सप्रेस सडन फीलिंग. ये क्या एक्सप्रेस करते हैं? आपके सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, लाइक लाइक आप बोल सकते हो, कई बार आप बोलते हो मैनी टाइम वॉट लवली, वॉट अ लवली ड्रेस. तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखो, चेक दिस, व्हाट अ लवली ड्रेस. हियर आई मीन ये जो सेंटेंस है जो आपका है, इसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मतलब ये सरप्राइज बता रहा है आपको कि व्हाट अ लवली ड्रेस, कि किस तरह की ड्रेस है, व्हाट अ लवली ड्रेस. जब आपको सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती देन वी कैन यूज दिस टाइप, व्हेन वी मेक दिस टाइप ऑफ सेंटेंस. और मोस्टली दे आर फॉर्म्ड विथ व्हाट और हाउ. ये मोस्टली व्हाट और हाउ से बनाए जाते हैं. ठीक है, जैसे हाउ लॉन्ग How long this building, this building is? Okay, so how long this building is? तो यहाँ पर देखो, ये भी आपकी मतलब कि इसमें wonder आपको बताया जा रहा है, कोई extra मतलब कि strong feeling बताया जा रहा है इसमें. How long this building is? I mean इसमें आपको सरप्राइजिंग मतलब सरप्राइज हो रहा है इसमें कि हाउ लॉन्ग दिस बिल्डिंग इज, ऐसे बोल के वो सरप्राइज हो रहा है. इट मीन्स दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेज आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज. ओके स्टूडेंट, और दे टेक एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेज, और मोस्टली सम टाइम दे टेक इन स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस ऑल्सो एक्सक्लेमेशन मार्क. जैसे आप बोलते हो कई बार हुर्रे आई वॉन द मैच, तो यहाँ पे हुर्रे के बाद आपके एक्सक्लेमेशन मार्क आता है. ठीक है, सो these are exclamatory sentences. okay, इसमें exclamation mark its identification, इसकी पहचान क्या है, exclamation mark. okay, और mostly they are formed with what and how. okay student, so student let's see. okay, an exclamatory sentence is a sentence that express great emotion such as एक्साइटमेंट, कई बार एक्साइटमेंट का, और सरप्राइज, हैप्पीनेस, ये हैप्पीनेस का भी, जैसे आप बोलते हो कई बार आप मैच वगैरह जीत जाते हो तो आप बोलते हो खुशी से हुर्रे आई वॉन द मैच, तो ये क्या हो गया आपका हैप्पीनेस का हो गया ये एक्सप्रेशन आपका. ओके, एंड एंगर, और एंगर का भी होता है, एंड इट एंड्स विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और ये हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होता है. ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ दिस एंड दिस सेंटेंस टाइप लाइक थैंक्स दैट इज सो ग्रेट, थैंक्स दैट इज़ सो ग्रेट, यहाँ पे थैंक्स कर रहा है और दैट इज़ सो ग्रेट. ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब एक्सक्लेमेशन मार्क है, यू कैन चेक इन योर बुक ऑल्सो. ओके स्टूडेंट, ओके हियर दिस इज द एक्सरसाइज रिलेटेड ऑफ दिस चैप्टर, आई मीन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज, सो यू हैव टू कम्प्लीट दिस वन. ओके, सो फर्स्ट रीड, राजू लव्स टू ड्रीम, हियर आर सम सेंटेंसेज दैट टेल अस हिज थाट्स. यहाँ पे कुछ कई मतलब यहाँ पे सेंटेंसेज है जो उसके थॉट्स बता रहे हैं. ठीक है ना, राइट द टाइप ऑफ सेंटेंस ईच वन इज इन द ब्लैंक बिलो, जो इसमें ईच वन जो ब्लैंक दे रखा है नीचे, यहाँ पे आपको इसका टाइप लिखना है. ठीक है, सो फर्स्ट रीड हियर, वी विल स्टार्ट रीड फ्रॉम हियर. ओके, दिस टाइप ऑफ फ्रॉम दिस साइड. ओके, सो इन फर्स्ट सेंटेंस, हाउ कैन आई मेक मम लेट मी प्ले इन द रेन, How can I make mom let me play in the rain? So which type of sentence you can identify by the interrogative mark also. Okay, so you have to write here interrogative sentence.
ओके डाउन साइड देखो, सेकेंड वन इज डजंट दैट साउंड्स फनी, डजंट दैट साउंड्स फनी, क्या वो साउंड्स फनी नहीं है? इसमें पूछ रहा है, इट मीन्स दिस इज ऑल्सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिकॉज ये देखो किससे बना है, हेल्पिंग वर्ब से बना है, ठीक है? सो इट्स ऑल्सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेम आपको ये राइट डाउन करना है, ठीक है? ओके आई एम राइटिंग, मैं लिख देती हूँ, आप कन्फ्यूज हो जाते हो, ठीक है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे लिख सकते हो, सेंटेंस भी लिख दो और सेम ही लिखना, ठीक है? डाउन साइड, व्हाट अ लवली ड्रेस द फेयरी इज वियरिंग, व्हाट अ लवली ड्रेस की मतलब कि फेयरी ने कितनी लवली ड्रेस पहन रखी है, तो व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, दिस इज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ओके? क्योंकि इसको यहाँ पे क्या हो रहा है, सरप्राइज हो रहा है, ओके? ओके नाउ लीव दिस रूम एट वंस, लीव दिस रूम एट वंस कि तुरंत इस रूम को छोड़ो, इट मीन्स दिस इज द इम्पैरेटिव सेंटेंस, एज आई टोल्ड यू दैट इम्पैरेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विद अ वर्ब, सो लीव यहाँ पे देखो वर्ब आ रही है, ओके? सो दिस इज द इम्पैरेटिव सेंटेंस, ओके? नाउ द प्रिंसिपल विल डिक्लेयर अ हॉलीडे टुमारो, द प्रिंसिपल विल डिक्लेयर अ हॉलीडे टुमारो, सो वॉट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, यस टेल मी, दिस इज द स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ओके? यू कैन से इन अनदर वर्ड स्टेटमेंट ऑल्सो, ओके? प्लीज कम एंड वॉच मी प्ले, ओके? प्लीज कम एंड वॉच मी प्ले, सो विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, दिस इज द इम्पैरेटिव सेंटेंस ऑल्सो, क्योंकि इसमें रिक्वेस्ट भी होती है, तो प्लीज वर्ड इसमें रिक्वेस्ट कर रहा है, देन इट इज द इम्पैरेटिव सेंटेंस, ओके? ओके स्टूडेंट, नाउ लास्ट वन इज समर हॉलीडेज आर एक्साइटिंग बिकॉज देयर आर नो क्लासेस टू अटेंड, ओके? समर हॉलीडेज आर एक्साइटिंग बिकॉज देयर आर नो क्लासेस टू अटेंड, तो विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, दिस इज द स्टेटमेंट ऑल्सो, सो यू हैव टू राइट हियर डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ओके स्टूडेंट? आई होप यू एंड यू हैव अंडरस्टूड दिस सेंटेंस टॉपिक अगेन, दिस इज द टाइप ऑफ सेंटेंस, ओके? एंड इट्स रिविजन फॉर यू, ओके स्टूडेंट? सो यू हैव टू रीड दिस केयरफुली, ओके? यू हैव टू रीड दिस केयरफुली फ्रॉम योर बुक, ओके स्टूडेंट? एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर ऑफ दिस बुक, ओके? जैक एंड द बीन स्टॉक, ओके? सो टिल देन keep practicing and keep learning, okay student?